हेलो एवरीवन, हम लोग आज फाइनल टच रिवीजन में करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। अभी इसमें फर्स्ट लॉ क्या है भाई, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? देखिए, फर्स्ट लॉ के बारे में याद रखना है, लॉज तो सबको याद रहते हैं। फर्स्ट लॉ है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और इसी का दूसरा है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देन नेट फोर्स उस पर होना चाहिए जीरो। सिंपल सी बात है, ये बातें तो हमको पता है ना, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इनर इसमें जो डिफाइन करते हैं इसके थ्रू वो क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये नोटिसेबल पॉइंट है ना, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कोई पूछेगा तो कहाँ से बताएंगे? हाँ, फर्स्ट लॉ से आया है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कैसा रेफरेंस फ्रेम है? नॉन एक्सीलरेटिंग, नॉन रोटेटिंग, नॉन एक्सीलरेटिंग, नॉन रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई, क्या रियलिटी में, क्या प्रैक्टिस में अगर आप कोई इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ढूंढोगे तो आपको मिलेगा? तो आप कहोगे भाई इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो अगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर इसका मतलब है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रियलिटी में नहीं लगना चाहिए। समस्या हो गई। तो फिर हमने क्या किया कि एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की डिफाइन की। कौन सी डेफिनेशन? प्रैक्टिकल डेफिनेशन। अब प्रैक्टिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल डेफिनेशन जब आप डिफाइन करते हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, तो आप कहते हो इट इज़ अ रेफरेंस फ्रेम एट विच न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल। ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिस पर न्यूटन्स लॉ लग जाए तो उसे आप कहते हो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इन प्रैक्टिस, है ना। इन थ्योरी तो वो नहीं है रेफरेंस फ्रेम, लेकिन अगर कहीं न्यूटन्स लॉज लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिसमें जो एक्यूरेसी आ रही है वो एक्यूरेसी से आप सेटिस्फाइड हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लग रहे हैं, तो आप कहोगे वॉट एवर रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इट इज़ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो अभी हमने कहा कि भैया प्रैक्टिकल डेफिनेशन में क्या बात आ गई हमारे पास, कि ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लग जाए। अब कितनी एक्यूरेसी तक लगें ये आपकी प्रैक्टिकल नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या हो गई, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कैसा रेफरेंस फ्रेम हो गया, जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। ठीक है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं, एप्लीकेबल, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गई फर्स्ट लॉ की बात है, अब बात आती है सेकंड लॉ, है ना। सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया, सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया सेकंड लॉ। इसको अगर आप लिखना चाहो इसमें नोटिसेबल पॉइंट क्या है, कांस्टेंट मास सिस्टम पर ही लगता है। किस पर लगता है? कांस्टेंट मास सिस्टम पर लगता है। अगर वेरिएबल मास सिस्टम है तो वहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, वहाँ पर फिर हम जो रॉकेट प्रपल्सन का केस है वहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से इक्वेशन लिखते हैं। किसी मोमेंट पर अगर किसी भी सिस्टम का अगर मास डिफाइंड नहीं है तो यू कांट से कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है ना। तो ये लगेगा किस पर? केवल कांस्टेंट मास सिस्टम पर लगेगा। और एक लॉ क्या है, थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ क्या है भाई, तीसरा लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें क्या ध्यान रखने की बात है, इसमें ध्यान रख, एक्शन रिएक्शन यहाँ पर कौन है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसमें एक्शन रिएक्शन क्या है, बेसिकली फोर्स है, है ना। अब इसमें एक्शन रिएक्शन में एक बात की ध्यान रखनी पड़ती है कि ये एक्शन अगर ए पर हो रहा है तो रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट बी पर होगा। एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर एक्ट ऑन अ सेम बॉडी। एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्स एक्शन और रिएक्शन एक्ट नहीं करेंगे। और क्या खास बात है,
एक्शन रिएक्शन, अगर ये मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये अगर नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल होगा, ये अगर टेंशन है तो ये भी टेंशन होगा। द नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर विल ऑलवेज रिमेन सेम। अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगेंगे और नेचर जो होगा वो सेम होगा। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ठीक है। इस पर आप क्या, जो थर्ड लॉ पर आपकी जो आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप टग ऑफ वॉर देख सकते हो, है ना, रॉकेट प्रोपल्जन देख सकते हो। वैसे तो हर जगह ही है, कहीं भी कोई फोर्स लग रहा होगा तो कोई ना कोई लगाएगा। और अगर मान लो ए ने बी पर कोई फोर्स लगाया, अगर ए और दो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, बी है। अगर ए ने बी पर कोई फोर्स लगाया मान लो इधर की तरफ एफ, तो ये भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा एफ। इवन इफ ये अगर मान लो फील्ड फोर्स है तो फील्ड फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। जितना ए ने बी पर फोर्स लगाया उतना ही बी ए पर फोर्स लगाएगा। कौन पहले लगा और कौन बाद में लगा ये गलत बात है। दोनों फोर्स आएंगे साइमल्टेनियसली और दोनों में से किसी को भी आप एक्शन कह सकते हो और तो दूसरे को रिएक्शन कहना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें एक दो पॉइंट और बताएंगे आपको, छोटी छोटी बातें। अब हमारे पास क्या है कि थोड़ा थोड़ा सही आइडिया हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें पता है। हमारे पास देखो क्या होता है कि थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट की बात करूँगा मैं, कंस्ट्रेंट को थोड़ा सा देखते हैं। कंस्ट्रेंट में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए कंस्ट्रेंट में क्या, जैसे मान लो एक पुली है ना, अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात कर लेते हैं। ये एक ब्लॉक है मान लो ए, है ना, ये एक ब्लॉक है हमारे पास बी। अभी मैंने कहा ये एक ब्लॉक ए है, इसको मैंने स्ट्रिंग्स को यहाँ पर ऐसे बांध दिया पुली को। अब अगर मान लो कोई आपसे कहता है कि भैया अगर ब्लॉक ए को नीचे लेगा एक्स, तो ब्लॉक बी कितना ऊपर जाएगा? तो आपको बहुत सिंपल से बात पता है, पता नहीं कैसे पता है, लेकिन आपको पता है कि ये बी ब्लॉक पक्का एक्स ऊपर जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो आप मुझे ये ए और बी का रिलेशन बता देते हो। ये आपने कैसे कहा कि अगर ए एक्स नीचे जाएगा तो ये एक्स ही ऊपर जाएगा? जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, ये आपके दिमाग में विचार आया तो क्यों आया? बोले आ जाता है, विचारों का क्या है ना। आपको बहुत अच्छे से पता नहीं, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आपके कहानी रहती है, तो आप उसके बेसिस पर आगे कहानी तभी बना पाओगे जब उस सबकॉन्शियस थॉट को कॉन्शियस थॉट में कन्वर्ट करोगे। आपके दिमाग में जो स्टोरी है वो ये है कि ये जो स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ये वाली, ये स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड है, तो अगर आपने इसको यहाँ पर एक्स पुल किया तो ये यहाँ से एक्स स्ट्रिंग को आपको लूज करना पड़ेगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे कॉन्शियस लेवल पर लेकर आओ कि ये रस्सी जो आपको दिख रही है, इस रस्सी की लंबाई फिक्स्ड है, इनएक्सटेंसिबल है, तो अगर आप इसको 1 मीटर नीचे खींचोगे तो इस वाले जोन में 1 मीटर रस्सी बढ़ गई, तो इधर से रस्सी कितनी ऊपर जानी चाहिए? 1 मीटर ऊपर जानी चाहिए। मतलब अगर आप कॉन्शियस होकर सोचते हो तो आप कहोगे कि जो पुल है, जितना रस्सी को आपने पुल किया उतना ही रस्सी को आपको क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप ये बात ध्यान रखोगे तो कंस्ट्रेंट की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये दिमाग में रखना, जितना खींचोगे, जितना आपने पुल किया, द सेम अमाउंट यू हैव टू रिलीज, यू हैव टू लूज दिस स्ट्रिंग, उतना ही सेम अमाउंट। अब मैंने क्वेश्चन को देखो, मैं हल्का सा कॉम्प्लिकेशन कर देता हूँ। मैंने कहा ये मेरे पास एक पुली है, ये पुली का सेंटर है, एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा ये स्ट्रिंग आई यहाँ पर ऐसे, इसका किनारा एक यहाँ पर है, दूसरा किनारा मैं यहाँ पर ले आया, एक किनारा यहाँ पर आ गया। अब मैंने कहा भाई साहब एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देखना आप ध्यान से, एक किनारा ये ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भैया अगर मैं इसको ले जाता हूँ नीचे की तरफ एक्स वन, और इस वाले एंड को नीचे की तरफ ले जाता हूँ एक्स टू, तो बताओ ये वाला जो किनारा है ये कितना नीचे जाएगा? एक्स, मुझे एक्स एक्स वन और एक्स टू में रिलेशन चाहिए, तो कैसे बताएंगे आप जी? तो आपका जो पूरा ध्यान है वो इस स्ट्रिंग पर है, जो आपके पिंक कलर की ये वाली स्ट्रिंग है, इस पर फोकस करना है आपको। इस स्ट्रिंग को आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ आप रस्सी को खींच रहे हो कि नहीं, ये मैं आपको देखिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड हैं जिनके आंसर देने में आपको ज़रा सा भी नहीं सोचना पड़ता। तो जैसे यहाँ नहीं सोचना पड़ रहा है वैसे ही यहाँ पर
नहीं सोचना पड़े। यहाँ जो नहीं सोचना पड़ा आपको और आपने आंसर दिया, तो वो आपने किस मैथमेटिक्स के बेसिस पर आंसर दिया वो आपको दिमाग में जनरेट करना पड़ेगा। समझ गए ना आप बात? अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपने नीचे इधर x बताया तो इधर ही x क्यों बताया, वो आप अगर सोच लोगे तो आप यहाँ सब जगह सोच लोगे, और नहीं तो फिर आप नहीं सोच पाओगे। अगर आपने यहाँ नहीं सोचा तो आप यहाँ नहीं सोच सकते। ये आपके लिए बहुत आसान आंसर है, लेकिन ये आसान को आप सोचो कि कैसे हुआ ये, क्या किया है एग्जैक्टली। तो देखो इस रस्सी को आपने यहाँ पर इस पॉइंट को कितना खींचा, मैं हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, कितना खींचा, और फिर मैं कहूँगा कितना ढीला किया है। इस स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं आप ढीली कर रहे हो, ढीला समझते हो, लूज कर रहे हो ना, कितना ढीला किया इस स्ट्रिंग को, जितना आप खींचोगे उतना ही ढीला करना होगा। तो आपने कहा देखो यहाँ से एक्स वन खींचा, इस वाले किनारे को ये खींचा है, ढीला किया है, लूज किया है, या खींचा है, पुल किया है, खींचा है ना इसको, तो आपने कहा एक्स वन भी खींचा है, इधर से एक्स टू खींचा, सॉरी दो जगह खींचा, इधर भी खींचा, इधर भी खींचा, कितना खींचा, एक्स वन एक्स टू। अगर ये मान लो पॉइंट नीचे जाता है तो ये पूरी की पूरी पुली कितनी नीचे जाएगी, एक्स। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देखना, अभी बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है कि ये वाली स्ट्रिंग के पार्ट को देखो, ये वाली स्ट्रिंग को इतना पार्ट, अगर ये पॉइंट एक्स नीचे गया तो दिस एंड विल लूज योर स्ट्रिंग। ये वाला किनारा रस्सी को क्या करेगा, लूज करेगा। कितना लूज करेगा, आप कहोगे यहाँ पर रस्सी एक्स लूज हो जाएगी। ये इस वाले पार्ट को देखो तो यहाँ पर रस्सी कितनी लूज हो जाएगी, एक्स लूज होगी। इनको भूल जाओ आप, अब सिर्फ इसको सोचो, इसको एक्स नीचे लेके आए तो ये एक्स यहाँ से लूज होगी, एक्स यहाँ से लूज होगी, तो कितनी लूज हुई, आपने कहा दोनों तरफ से मिला के 2x लूज हो गई। जितनी लूज करोगे उतना ही पुल करोगे, तो ये आप लिखोगे x1 plus x2 is equal to 2x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x1 plus x2 by 2। क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए, जितनी रस्सी आप खींचोगे उतनी ही रस्सी आपको ढीली करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो यहां भी खींचा, यहां भी खींचा, तो टोटल कितना खींचा, x1 plus x2। अब अगर आपने इस पुली को नीचे ले गए तो यहाँ भी ढीली होगी, इस तरफ भी ढीली होगी, दोनों तरफ बराबर ढीली होगी, तो x1 plus x, और इन दोनों को इक्वल कर दो, जितनी खींचोगे उतनी ढीली कर दोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए ठीक है ले लिया जाए। अब देखना ध्यान से, परेशान ना होना, ठीक है। अभी मैंने कहा यार मैं इसको ना 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा हूँ, मुझे इसकी स्पीड चाहिए v। मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाऊंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बात करूँगा, नहीं तो मैथमेटिक्स से रट्टा मारने के अपने अपने तरीके हैं लोगों के, वो रट्टा मार लेते हैं। अभी अगर मैं इस ब्लॉक को चलाऊंगा तो वो वाला ब्लॉक क्यों चलेगा, कोई है, कौन है वो? तो आप कहोगे यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जो कि इन दोनों को कनेक्ट किए हुए है, ये स्ट्रिंग है, इसको मुझे समझना होगा कि मैं कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ तो किसका लिख रहा हूँ, इस स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक, अभी मैंने कहा कि ये ब्लॉक को मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं बता रहा, मेरे मैथमेटिक्स बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसको पता होता है कि आपको मैथमेटिक्स आती है तो वो आपको कहीं ऐसी जगह पर फंसाएगा, छोटी सी जगह पर जहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स फेल हो रही होगी, बहुत छोटी सी। तो अभी मैंने कहा इस किनारे को देखो, अगर इसको आप 1 सेकंड की बात लिखेंगे, अगर ये पॉइंट आपका चला 6 आगे, तो यहाँ से रस्सी पुल की के पुश की, ढीली की के खींची, तो अगर ये वाला पॉइंट चलेगा तो ये पुली चलेगी, ये पुली भी चलेगी 6 आगे। तो यहाँ पर आपने इस किनारे को खींचा और इस किनारे को खींचा, तो रस्सी आपने टोटल कितनी खींच ली, 6 इधर और 6 इधर और 6 इधर, तो आपने रस्सी जो खींची है ना, खींची का मतलब आपने पुल किया है ना, तो पुल कितने की रस्सी आपने, तो आपने कहा हमने पुल की भाई साहब 6 plus 6 plus 6। अब मैंने कहा इसको अगर आप बी से चलाओगे तो ये पुली जो आपकी थी ये भी बी से चलेगी आगे, पुली तो इसके संग अटैच्ड है ना। तो अब इसका ये किनारा देखो और इसका ये किनारा देखो, तो ये चलेगा बी आगे और ये चलेगा बी आगे, तो लूज कितने की आपने स्ट्रिंग, वी प्लस वी। और आपको पता है जितनी आप स्ट्रिंग को पुल करोगे उतनी ही स्ट्रिंग को आपको लूज करना पड़ेगा, दीज टू मस्ट बी इक्वल। तो व्हाट इज योर आंसर फॉर वैल्यू वी,
नाइन, नाइन आंसर। कोई मुश्किल बात है? कहीं ज़रा सी भी कोई मुश्किल है? कोई घबराने की बात नहीं। तो ये तो था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, है ना। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आपको समझ में आया। अब ये वेलोसिटी दे दे, एक्सेलरेशन दे दे, डिस्प्लेसमेंट दे दे, सबको एक ही तरह से ट्रीट करना है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पर ए दिया होता तो आप यहाँ पर बाकी वी बता, ए बता देते इसका, ठीक है ना। तो नोट कर लो। अच्छा ठीक है, अब देखो ये तो आपका था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। मैं एक, आप चाहो तो एक और एग्जांपल आपको बता सकता हूँ, लेके ले लिया जाए, एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं। तो ध्यान से देखना, जानलेवा हो सकता है, अरे 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 इतनी नाराजगी भी क्या है। चलो मैं छोड़ देता हूं, एक बार में समझना होगा अपन को बहुत अच्छे से, ठीक है। और आपको क्या है ना, मैथमेटिक्स का रट्टा नहीं मारना, दिमाग को इस्तेमाल करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, ये आपको पता होना चाहिए। बोले भाई साहब ठीक है, एक देखो एक स्ट्रिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, एक स्ट्रिंग ये है, ये स्ट्रिंग दिखी, ये स्ट्रिंग को ध्यान से देख लो, बहुत अच्छी स्ट्रिंग है ये। एक दूसरी स्ट्रिंग दिखाऊंगा आपको, इसको भी देख लेना। एक स्ट्रिंग ये दिख रही मेरे को, ये घूम के आई, ये गई इधर से, ऐसे टिप्पण लगी हुई है। एक और स्ट्रिंग दिखाऊंगा आपको, एक और स्ट्रिंग दिखा देता हूँ, और देख लो एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये है, दिख रही है ये वाली भी। इसमें यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है वो एक स्ट्रिंग का नहीं है, तीन स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट है, 1 2 3 स्ट्रिंग्स का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अब वो इनमें से कोई एक का एक का मोशन आपको देगा और दूसरे का मोशन पूछेगा, तो आपको बताना पड़ता है। तो जैसे उसने कहा कि भैया अगर मान लो मैंने इसको एक्स नीचे ले जाते हैं, या वी वेलोसिटी चलाते हैं, या ए एक्सेलरेशन चलाते हैं, ऑल आर मैथमेटिकली सेम, तो उस वो आपसे कहेगा कि अगर ये ब्लॉक ए को आप एक्स नीचे ले जाते हो या वी वेलोसिटी नीचे चलाते हो तो बी के मोशन के बारे में बताओ, बी कितना ऊपर जाएगा। तो अब हम कैसे बताएंगे यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो हमने काम ऐसा कर लेते हैं, अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ए को नीचे खींचूंगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा होगा कि बी किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर, पक्का बता रहा है ये? आपका दिमाग कह रहा है आपसे कि ये बी पक्का ऊपर जाने वाला है भाई साहब। हमने कहा बस, तो मैंने कहा वाई मान लो इसको, मुझे वाई की वैल्यू चाहिए यार। हो सके मैंने गलत माना हो, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे धोखा दे दिया हो, लेकिन मैंने अब मान लिया तो मान लिया। मैंने कहा सही होगा गलत होगा देखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये रस्सी पर फोकस करो, इसका एक किनारा, ये किधर जा रहा है? ऊपर। बाकी पूरी दुनिया भूल जाओ, सिर्फ इस पॉइंट को अगर आप ऊपर ले जाओगे, कितना ऊपर ले जाओगे? वाई। तो ये रेस्टिंग ढीली होगी कि टाइट होगी? लूज होगी कि लूज होगी ना? इसको ऊपर ले जाओगे, सारी दुनिया भूल जाओ, सबको रोक लो, बस इस पॉइंट को ऊपर उठाओ, तो रस्सी लूज होगी ना। तो मैंने कहा ये स्ट्रिंग 1 है S1, ये स्ट्रिंग 2 है S2, ये स्ट्रिंग 3 है S3। मैं बहुत तसल्ली से बता रहा हूँ, है ना। आप S1 के बारे में सोच लो सिर्फ, केवल अभी। तो आपने बताओ लूज कितने की इसको? वाई। और आपको पुल भी करना पड़ेगा फिर, तो जितना आप लूज करोगे उतना आपको पुल करना पड़ेगा। लूज आपने की इसके स्ट्रिंग को वाई, आपने इसको लूज किया वाई। तो मैंने कहा रस्सी का दूसरा, ये यहां पर तो कोई ऊपर नीचे होगा नहीं, ये वाली पुली तो फिक्स्ड है। ये रस्सी यहां पर एक किनारा है, एक इस पुली से जुड़ी हुई है, और एक दूसरा किनारा यहां पर है। तो मैंने कहा अगर आपने इसको वाई ऊपर ले गए और ये वाला पार्ट कहीं हिलने डुलने का नहीं, ये तो कहेगा भैया जिसको जहां जाना जाओ हम यहीं रुके हैं। तो ये वाले किनारे के बारे में रस्सी के आपका क्या विचार है, ये किधर जाएगा? अरे क्या बात है, आपने कह रही है पक्का वाई नीचे जाएगा। तो ये तो आपने अपने सबकॉन्शियस से वैसे ही बता दिया मुझे कि ये वाई अगर ऊपर गया तो ये वाई नीचे आया। देन अब मैं फोकस करूंगा, आप ध्यान से देखते रहना बहुत तसल्ली के साथ, इस वाली स्ट्रिंग पर देख रहा हूं, ये वाली स्ट्रिंग देख लो इसको। इसका रंग कुछ चमकदार नहीं है, मैं इसका रंग बदल लेता हूँ, इसका रंग मुझे को अच्छा नहीं लग रहा है। कौन सा रंग ले लूँ, कौन सा रंग ले लूँ, ये ले लिया, चलो ये मेरे को भी अच्छा, चलो ये ले लिया, हटा ये रंग, ये तो वैसे गरीबों वाले रंग है सब, चलो कोई बात नहीं। देखना ध्यान से इस स्ट्रिंग को, इसका एक किनारा इधर है, दिखा आपको किनारा, वाइट कर लेते हैं।
इसका एक किनारा इधर है, ये ब्लॉक अगर y ऊपर जाएगा तो ये किनारा कितना ऊपर जाएगा, y। तो आपने कहा अब हम स्ट्रिंग s2 पर बात करेंगे, तो हमारे पास दो टर्म है, एक तो हमने लूज कितना किया और एक हमने पुल कितना किया। तो लूज किया आपने एक जगह से y, ये दिख गया आपको इस किनारे से, ये पुली नीचे ऊपर जा रही है क्या, ये y आपने किसके लिए लिखा था, ये पुली के सेंटर के लिए लिखा था, तो ये पुली नीचे खींची है आपने, y की है नीचे, अरे ये y लिख रखा ना आपने, ये y इस पुली के लिए तो लिखा, ये पुली नीचे आएगी। अगर ये पुली नीचे आएगी तो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, ये वाला किनारा नीचे जाएगा, ये वाला किनारा भी नीचे जाएगा, कितनी रस्सी लूज करेगा यहां से और यहां से मिला के, 2y। तो आपने कहा 2y और दिख गया लूज होते हुए, दिख गया कि नहीं। अब आप ये बताओ कि अगर आपको ये यहां भी लूज की, यहां भी लूज की, यहां भी लूज की, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना है इसको, या यहां से भी लूज कर दोगे आप, सब जगह से लूज थोड़ी कर सकते हो, यहां से लूज कर दी, यहां से लूज कर दी, यहां से लूज कर दी, यहां से लूज कितने की वाई, यहां से लूज कितने की वाई, यहां से लूज कितने की वाई, टोटल कितनी लूज की वाई, वाई एंड वाई, 3y। तो आप कहोगे यार फिर तो पक्का इसको नीचे 3y लेके जाना पड़ेगा ना मेरे भाई, नहीं लेके जाना पड़ेगा, तो इसको y ऊपर लेगा, इसको y नीचे ले आया, इसको y, तो यहां से y ढीली हुई, यहां से रस्सी y ढीली हुई, यहां से रस्सी y ढीली हुई, तो यहां से 3y खींचनी पड़ेगी ना यार, जितनी आपने ढीली की उतना तो खींचना पड़ेगा ना आपको, दिख गया। अब मेरे पास, मैं ग्रीन स्ट्रिंग पर आ रहा हूं, ग्रीन वाली स्ट्रिंग पर आ रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस वाले पॉइंट के बारे में बताओ, ये वाला पॉइंट कितना ऊपर ले गए आप, आपने कहा वाई, ब्लॉक वाई गया था, ये वाई जाएगा। अब इस पुली को देखो, ये पुली कितनी नीचे ले गए आप, 3y। तो आपने कहा यहां से 3y लूज होगी, यहां से 3y लूज होगी, ये y लूज हुई, 3y लूज हुई, 3y लूज हुई, 3y प्लस 3y प्लस y 7y। तो इसका मतलब इस ब्लॉक को आपको कितना नीचे लेके जाना पड़ेगा, आप कहोगे 7y, और इसी को तो आपने x मान रखा है, x इज इक्वल टू 7y आ गया। इसका आंसर आप समय के साथ ओरल भी दे सकते हो, ऐसे देखोगे और यूं आंसर दोगे, है ना, लेकिन सारा गेम आंसर का नहीं है, सिर्फ आंसर का नहीं है, गेम किस बात का है कि आप कितना खेल रहे हो इससे, कितनी आसानी से आप इसको देख रहे हो, हर एक पार्ट को, इसका पुली का, इस पुली का, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का, हर एक पुली के हर एक जगह का आपको सब कुछ पता है। कोई पूछेगा इस पुली का वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट बताओ, आपको कि वाई, कोई कहेगा इस पुली का बताओ, आपको कि 3y, इस ब्लॉक का बताओ, आपको कि 7y, इसका बताओ वाई, सब कुछ बताने का रेडी हो आप, ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप एक एक स्ट्रिंग पर कम से कम एक बार ढंग से देख पाओगे, नहीं तो फिर आप रट्टा मारोगे कि ऐसा कर लेते, तीन होती तो डबल कर लेते, ये होता तो ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, आंसर आ जाते भाई सब, है ना, और वो कभी कभी आंसर फंसा देंगे आपको, फिर आप उस दिन दुखी होगे कि यार हमारा थर्ड फेल हो गया, क्योंकि आपने फील नहीं किया। चलो हम आपको दिखाएंगे आप कुछ और, अब मैं आपको दिखा रहा हूं वेज कंस्ट्रेंट, कौन सा कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, अब मैं आपको थोड़ा सा वेज कंस्ट्रेंट दिखाऊंगा। वेज कंस्ट्रेंट में, कंस्ट्रेंट मतलब होता है एक तरह से बाधा, बाधा मतलब कंस्ट्रेंट है, मजबूर है ऐसा करने के लिए, है ना। तो कंस्ट्रेंट जो वेज का कंस्ट्रेंट होता है वो क्या है, जैसे मान लो आपने कोई एक वेज ले लिया ऐसे करके, और इसके ऊपर आपने कोई ऐसे करके एक दूसरा ब्लॉक या कोई वेज रख दिया, ये ए है और ये मान लो बी है, तो एक बड़ी अजीब सी बात है, इनकी एक समस्या है, अगर ये रिजिड बॉडीज हैं तो इनमें खास बात क्या आएगी कि अगर आप इनका एक कॉमन नॉर्मल खींचो, ये क्या है, कॉमन नॉर्मल, तो ये जो कॉमन नॉर्मल खींचेगा, यहां पर कॉन्टेक्टिंग सर्फेसिस दिख रहे होंगे आपको दोनों के, तो इन कॉन्टेक्टिंग सर्फेसिस पर कॉमन नॉर्मल आपको खींचना होता है, और फिर क्या होगा कि कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन, कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल For both objects या surfaces must be same,
दोनों क्या होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए सेम, कंपोनेंट होने चाहिए कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में, मोशन के कंपोनेंट होने चाहिए एकदम सेम, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रहेगी, बस इतना सा ही कंस्टेंट है इसका। अब इस पर मैं सवाल कराऊंगा आपको छोटे छोटे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा हल्की सी, फिर मैं कुछ मैंने सवाल खुद ही लिए हैं वो आपको डिस्कस कराऊंगा, है ना, जिससे आपको जनरल आइडिया मिलेगा। देखिएगा, जैसे किसी ने कहा कि भाई साहब ये ऐसे करके, ये एक ब्लॉक है, इसका नाम है ए, यहाँ पर आपने ऐसे दो कंस वो लगाई, सपोर्ट्स लगाए, फिक्स्ड सपोर्ट्स, दीवार या कुछ भी बना लिया आपने, और एक रॉड को इस सपोर्ट्स के बीच में चलने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये रॉड अगर इन सपोर्ट्स के बीच में ही चलेगी तो ये रॉड वर्टिकल में चलेगी केवल, है ना, और वेज को जमीन पर रखा हुआ है तो वेज अगर चलेगी तो वेज तो इधर इधर चल सकती है बस। ए जो है वो कैसे चलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बी को आपने मजबूर कर दिया है वर्टिकल डायरेक्शन में चलने के लिए, ये इधर उधर जा नहीं सकती। ये बात अपने को समझ आ गई। अब किसी ने हमसे कहा कि भैया ये एंगल है आपका मान लो थीटा के बराबर, और उसने आपसे कहा कि भाई ऐसा करो, अगर ये वेज इस रॉड को नीचे लाते हैं एक्स, और ये वेज जो है वो आगे बढ़ता है वाई, तो एक्स और वाई में रिलेशन बताओ। तो हमने कहा यार अब तो कैसे करेंगे अब, है ना, तो एक्स और वाई में रिलेशन बताए, हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो कॉमन नॉर्मल आएगा उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट आने चाहिए सेम। तो हमने कहा रुको, हमने कहा भाई देखो ऐसा था, हमारे पास एक वेज था, है ना, हमारे पास एक वेज है ना, ये वेज है, इस पर यहाँ पर ऐसे करके एक रॉड आ रही थी कि नहीं। अब मैंने सबसे पहला काम करो कॉमन नॉर्मल खींच लो, तो कॉमन नॉर्मल आपने ऐसे खींच दिया, ये कौन है कॉमन नॉर्मल, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। अब हमने कहा देखो वेज का ये वाले पॉइंट को देखो जो कॉन्टेक्ट में आ रहा, और इसका दोनों के एक एक ये वाले पॉइंट देख लो। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी मोशन का कंपोनेंट है वो एक्स है इधर की तरफ, और इसके मोशन का कंपोनेंट है वाई इधर की तरफ, ये दो पॉइंट बना लिए कॉन्टेक्टिंग पॉइंट। ये एंगल कितना दिया गया था आपको, थीटा दिया गया था, ये एक एंगल कितना होगा 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एक कॉमन नॉर्मल की दिशा में कंपोनेंट लेने एक्स और वाई के, और उन्हें करना है सेम इक्वल, तो एक्स का थीटा की दिशा में कंपोनेंट, ये एंगल भी थीटा होगा, तो एक्स का इस लाइन पर कंपोनेंट बताओ, तो आप बोलोगे एक्स कॉस थीटा, और वाई का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, वाई का इधर कंपोनेंट तो आएगा कॉस, और इधर कितना आएगा साइन, तो आपने कहा वाई का इधर कंपोनेंट आएगा वाई साइन थीटा, आपका सवाल खत्म हो गया। आपने कहा भाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है वाई टेन थीटा, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कंस्टेंट था, एक बार में आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है। अब चलो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिया गया है, टू फोर्सेस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के है, फ्रिक्शन अभी इसमें नहीं लिया है, एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, इस पर लग रहा है 6 न्यूटन, यहाँ से लग रहा है 3 न्यूटन। वॉट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक बाय 1 किलोग्राम ब्लॉक। अब जैसे सवाल जैसे सामने आया, फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो दिया नहीं है, तो अभी बताओ कि ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा, 6 की दिशा में जाएगा कि 3 की दिशा में जाएगा, 6 की दिशा में जाएगा। अच्छा ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ये आपका सबकॉन्शियस आपको बताता रहता है। तो जब कोई दो ऑब्जेक्ट सेम एक्सेस में चल रहे हैं तो यू कैन ट्रीट देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, तो इस सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम। यहाँ से आपने फोर्स लगा रखा है 6 न्यूटन का, है ना, यहाँ से आपने फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सेलरेशन, आपको पक्का पता है कि इधर की तरफ आएगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज नेट फोर्स, तो आप बोलोगे यार नेट फोर्स, तो नेट फोर्स आपने बताया 3 आ गया, इज इक्वल टू, चूंकि नेट फोर्स पूरे को एक सिस्टम माना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो आप कहोगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें क्या है सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। अब लेकिन उसने कहा है कि 2 किलोग्राम से 1 किलोग्राम पर या 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम पर, बोथ आर सेम, 2 किलोग्राम ने 1 किलोग्राम पर जितना फोर्स लगाना है उतना ही फोर्स 1 किलोग्राम ने 2 किलोग्राम पर लगा रहा है,
उसने कहा कि एग्जेटेड ऑन 2 किलोग्राम बाय 1 किलोग्राम बताओ आप। तो हमने कहा फिर तो हम ऐसा करते हैं 2 किलोग्राम को उठा लेते हैं मान लो। तो हमने कहा ये 2 किलोग्राम का फोर्स है, इस पर एक फोर्स लग रहा था यहाँ पर पहले से ही 6 न्यूटन का लग रहा था कि नहीं। अब 1 किलोग्राम ने मान लो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाया और इस फोर्स का नाम मैंने रख दिया Fn, नॉर्मल फोर्स होगा ये। लेकिन ये चल कितना रहा था इधर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन क्या था आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने लिखा इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने कहा एक्सेलरेशन की दिशा में नेट फोर्स बताओ, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपको 6 माइनस सम नॉर्मल फोर्स जो हमें फाइंड करना है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप नेट फोर्स की वैल्यू क्या बताने वाले हो 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ठीक है, समझ गया बात को, इसमें कोई कहीं कोई डाउट कहीं कोई संदेह नहीं। तो सिस्टम आप कब बनाते हो किसी को, जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं तो एक सिंगल बॉडी की तरह ले लिया यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने उल्टे पुलटे नहीं लगाए, सिंपल सा है। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास एंड टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन ए और बी के बीच में जो रस्सी है इसमें टेंशन पूछा है एक्सेलरेशन पूछा है। तो आप कहोगे यार ये तो बढ़िया है, ठीक है, तो आसान सही सवाल लग रहा है। यहाँ पर कितना मास है 3 किलोग्राम का, है ना, और यहाँ पर नीचे उसके है 1 किलोग्राम का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहाँ से ऐसे आपने एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक और लगा रखा है, अब यहाँ पर इसको ऐसे बांध रखा है। अब ये बताओ ये 3 किलोग्राम ये 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक जाएगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा, और ये वाला 3 किलोग्राम का ये भी नीचे जाएगा, और ये वाला 3 किलोग्राम का ये ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको, है डाउट। तो मैंने कहा अगर ये ए से नीचे जाएगा तो ये भी ए से नीचे जाएगा और ये ए से ऊपर जाएगा, इसमें कोई संदेह है आपको, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं बहुत तसल्ली से करूँगा सवाल, तो मैं सारे आंसर ओरल भी दे सकता हूँ, आप भी कई सवालों के जवाब ओरल दे सकते हो, बट वी आर लर्निंग वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर ताकि हमारी चीज़ें रिवाइज होती जाएँ, कहीं पता नहीं कौन सा पार्ट मिसिंग हो। तो मैंने कहा देखो अब यहाँ पर अगर मैंने टेंशन लिया है मान लो टी, कितना टेंशन लिया टी टेंशन लिया, अगर मैंने यहाँ पर टेंशन लिया है टी तो मैं यहाँ पर टेंशन कितना लूँगा टी, और यहाँ पर टेंशन मैंने कहा मेरे को क्या पता, तो आपने कहा टी डैश, बीच में वेट आ गया ना तो टेंशन बदल जाएगा, यहाँ पर टेंशन आप कहोगे टी डैश, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब मैंने कहा जरा 1 किलोग्राम वाले पर देखो फोर्स, तो एक तो इस पर आएगा 1g आएगा ना, तो 1 किलोग्राम वाले की फोर्स इक्वेशन लिखनी है, तो 1 किलोग्राम वाले पर फोर्स इक्वेशन लिखनी है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है 2 या 3, 3, एक 1g एक टेंशन और एक ma, ma इज नॉट अ फोर्स, ma फोर्स नहीं होता, ma फोर्स के बराबर होता है, ma फोर्स नहीं होता, याद रखना कभी ना भूलना, नहीं तो फिर न्यूटन का कोई काम ना था। न्यूटन ने कहा कि जो नेट फोर्स है वो ma के बराबर होता है, अगर ma ही फोर्स है तो फिर न्यूटन क्या बोल रहे हैं, हमें जरूरत क्या न्यूटन की। तो ये ma फोर्स नहीं लगाना कभी भी यहां पर, फोर्स इसमें कौन कौन से हैं, दो ही हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों फोर्स है और इनके रिजल्टेंट से ये a आ रहा है एक्सेलरेशन, ये फोर्स नहीं है पहली बात। तो अब हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, तो ये जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को नेगेटिव। तो मैं 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक की फोर्स इक्वेशन लिखने वाला हूं, मैंने लिखा 1g माइनस टी, नेट फोर्स हो गया ये 1a के बराबर होगा, ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब मैंने कहा चलो 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिख देते हैं, 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक की इक्वेशन में एक फोर्स ये लग रहा है, एक टी डैश लग रहा है, एक इसका वेट 3g भी आएगा, 3 किलोग्राम वाले पर कितने फोर्स लग रहे हैं 3। तो मैंने कहा एक्सेलरेशन की दिशा के फोर्स लिखो, इन्हें प्लस में लिखना, आपने कहा टी, एक दूसरा 3g ये भी प्लस में लिखा जाएगा, और ये चूंकि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है इसको माइनस में लिखेंगे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैंने कहा इसका भी तो वेट काम करेगा 3g, इसका एक्सेलरेशन किधर को है ऊपर की तरफ है, मैंने कहा अब मैं इस 3 किलोग्राम वाले का इक्वेशन लिख रहा हूं, तो दूसरे 3 किलोग्राम वाले की जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये 3g में लिखूंगा माइनस में, ये टी डैश में लिखूंगा प्लस में, नेट फोर्स हो गया, दो ही फोर्स लग रहे थे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे और हमें जो उसको बताना है हम बता देंगे।
कोई मुश्किल बात है इसमें? पक्का मुश्किल नहीं है, तो आप सारी बातें बता सकते हो मेरे को। अगर मैं इन तीनों एक क्वेश्चन को जोड़ दूं तो मुझे दिख रहा है कि टी टी डैश वी डैश सब उड़ जाएगा, है ना। तो मैंने तीनों एक क्वेश्चन को जोड़ा, जोड़ के मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो राइट हैंड साइड में चीज़ें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 3 + 3 + 1 = 7a, और जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1g + 3g - 3g + 3g - 3g, 1g + 3g - 3g, बाकी टी टी डैश उड़ जाएंगे सारे, दिख रहा है आपको, है ना। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा सम करने के बाद आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1g + 3g - 3g, राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा होगा 1a + 3a + 3a, मिला, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया 1g सब कुछ सॉल्व करने के बाद, और राइट हैंड साइड में आपके पास कितना आया 7a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, g/7। कोई मुश्किल तो नहीं। अब आपको उसने टी और पूछा है शायद, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी, मतलब ये टेंशन पूछा ये वाला टी, तो आपने कहा इसमें रख देंगे यार, इसमें क्या है यार, तो 1g - 1a दैट इज g/7, g - g/7 = 6g/7, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, सॉल्व तो हम ओरल कर सकते हैं इसको, लेकिन कॉन्सेप्ट को लर्न करना। अ सिस्टम इज शोन इन द फिगर और मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्लॉक इज पुलिंग द रोप, ये आदमी यहां पर खड़ा हुआ है रस्सी को खींच रहा है। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इन कॉन्टेक्ट विद द हैंड ऑफ द मैन इज 2 m/s डाउनवर्ड, ये रस्सी कितनी स्पीड से नीचे जा रही, 2 m/s से नीचे जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वो क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बताओ, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है इस ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी जा रही है ना। तो मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। तो मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जूम यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब आपका डायग्राम दिखना शुरू हो गया होगा, आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना। अभी देखिए क्या है कि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, आंसर तो दिख रहा है, वो दिख जाता है ओरल, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रिंग दिख रही है सब आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझना होगा। आप इस रस्सी को कितना भी खींचो, इस दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रिंग की लंबाई में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। यहां से यहां के बीच में स्ट्रिंग में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। यहां से यहां तक की ब्लॉक के ऊपर नीचे जाने से क्या ये लंबाई बदलेगी? अगर ये ब्लॉक को ऊपर कर दो, ऊपर ऐसे पुली के पास ले जाओ, तो ये लेंथ बदलेगी? बदलेगी, बदलेगी, 100% बदलेगी, बदलेगी। ये आदमी रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो रस्सी को इसने कितना नीचे खींचा, तो आपने बताया था 2 m/s से खींच रहा है ये। तो अगर ये यहां पर 2 m/s रस्सी को नीचे खींच रही है, तो ये वाले पॉइंट को यार रस्सी को दो, क्योंकि यहां तो आपने पुल कर ली 2 से, तो यहां पर आपको लूज करनी पड़ेगी रस्सी, तो आपका आंसर आ गया 2 m/s, खटा, नहीं समझे बात को। फिक्स नहीं है रस्सी को, ऐसे खींचता जाएगा नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं रस्सी पकड़े हूं और मैंने रस्सी को ये हाथ पकड़ा हुआ, इसको 2 नीचे कर दिया, हाथ को ऐसे पकड़े थे रस्सी को, ऐसे 2 नीचे कर दिया, तो ये रस्सी यहां पर 2 m बढ़ गई, 1 सेकंड में बढ़ गई कि नहीं, ये हाथ नीचे चला जाएगा ना। अरे फिर 2 हाथ होते हैं ना, एक हाथ नीचे किया, फिर ऊपर पकड़ लिया अगले सेकंड के लिए, फिर इसको 2 m नीचे कर दिया, फिर इसको ऐसे पकड़ लिया, फिर इसको 2 m नीचे कर दिया, समझ गया बात को। तो उसने रस्सी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी दे रखी है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखी, तो ये रस्सी जा रही 2 m/s नीचे, तो ये अब रस्सी और कहीं से कंपनसेट हो नहीं सकती, तो इसको ऊपर कितना जाना पड़ेगा, 2 m/s जाना पड़ेगा, समझ गए बात को। सिस्टम शोन इन द फिगर वेज इज मूविंग टुवर्ड लेफ्ट विथ स्पीड, ये पूरा का पूरा वेज, ये जो वेज आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा वेज किधर जा रहा है भाई, ये वेज जा रहा है 2 m/s से इधर। वो कह रहा है कि ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है आपको, ठीक है, अब कैसे बताएं? तो अब देखो जो रस्सी जिस पर हमारा फोकस है, उस रस्सी को मैं देखूंगा, तो अभी ये चले गए आ जाओ, अरे क्यों भाग रहे हो, आओ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना रस्सी को, देखना रस्सी का कंस्टेंट, स्ट्रिंग कंस्टेंट है, स्ट्रिंग को और फोकस करेंगे, कैसे करें फोकस,
ये स्ट्रिंग है जिस पर आपको फोकस करना है, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, दिख रही है आपको ये स्ट्रिंग? ये स्ट्रिंग है आपका कंस्ट्रेंट आपको देगा, और आपको मैथ नहीं लगानी है, क्योंकि आप मैथ लगाओगे और फिर आप मैथ से कुछ कर नहीं पाओगे। यहाँ से और यहाँ के बीच रस्सी की लंबाई कभी चेंज नहीं होने वाली, चाहे इसको कहीं कुछ भी कर दो, होने वाली चेंज नहीं। यहाँ से यहाँ के बीच रस्सी चेंज नहीं होने वाली, यहाँ से यहाँ रस्सी चेंज नहीं होने वाली। तो अगर आपने इस पॉइंट को आगे बढ़ाया 2 मीटर 1 सेकंड में, तो इसका मतलब है इधर से लेकिन रस्सी ढीली हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ वाला पॉइंट, अगर ये पूरा का पूरा वेज 1 सेकंड में 2 मीटर आगे गया, तो यहाँ से अगर 2 मीटर ढीली हुई तो यहाँ से खींच भी तो ली 2 मीटर। तो इसका मतलब है जितनी वेज के चलने से रस्सी यहाँ पर ढीली हो रही थी, उतनी यहाँ पर खींच जा रही है। इसका मतलब है दिस लेंथ, ये तो फिक्स्ड थी लेंथ, 2 पुली फिक्स्ड है, इनके बीच का गैप तो बदल नहीं सकता। अब यहाँ जितनी ढीली की थी उतनी यहाँ पर खींचेगी, तो इसका मतलब है ये लेंथ रस्सी की फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक बी ए के रिलेटिव साथ साथ यहीं पर रहेगा हमेशा, लेकिन चूंकि ए 2 मीटर आगे गया है तो बी को भी 2 मीटर आगे जाना पड़ेगा। तो उसने बी की वेलोसिटी पूछी थी आपसे, तो बी की वेलोसिटी आप क्या बताओगे? 2 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझना आई? सिर्फ सिर्फ इससे ही बता पाओगे, है ना? विश्वास करोगे या आपके आप इसका इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर रस्सी आपकी 2 मीटर आगे गई, ये वाला पॉइंट रस्सी का 2 मीटर आगे गया, तो पर इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ फिक्स रहने वाली है, क्योंकि और कहीं से कुछ, ये तो फिक्स्ड है ही, ये तो पुली फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड है, तो ये गैप तो फिक्स्ड है ही, ये तो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर जितनी रस्सी थी उतनी रहने वाली है, यहाँ जितनी उतनी रहने वाली है, यहाँ से यहाँ तक जितनी थी उतनी रहने वाली है, यहाँ से यहाँ तक जितनी थी उतनी ही रहने वाली है। इस जोन की रस्सी 2 मीटर घटेगी 1 सेकंड में, तो इस 2 पुलिस के बीच में चूंकि ये वेज के साथ चलेगी, तो ये 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब रस्सी यहाँ पर जितनी ढीली करी उतनी रस्सी यहाँ पर आपने खींच ली, तो ये लेंथ फिक्स रहने वाली है। लेकिन ब्लॉक को ए के साथ रहना जरूरी है, और चूंकि ए 2 मीटर आगे चला गया तो बी को भी 2 मीटर आगे जाना पड़ेगा, इसलिए बी की वेलोसिटी आप 2 मीटर पर सेकंड बताओगे। क्लियर हो गई बात? पक्की बात? ठीक है। कंस्टेंट में अगर आपको मास्टर बनना है और आपको सवाल गलत नहीं करने है, देन आपको सोचना जरूरी है बहुत, नहीं तो आप कितने भी मैथडोलॉजी पढ़ के आ जाओ, सवाल तो होंगे आपसे, बहुत सारे हो भी जाएंगे, लेकिन आप किसी बहुत छोटे से सवाल में, है ना, आगे बढ़ेंगे। देखिए, द ब्लॉक ईच हैविंग मास कैपिटल एम फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है, पुली हल्की हल्की है, ये आपका फिक्स्ड है। तो आपसे पूछा गया है कि टेंशन बताना है रस्सी में आपको, तो टेंशन आप कैसे बताओगे? आप बताओ, बड़ी समस्या आ गई है भाई साहब यार। तो अब आप देख रहे हो कि देखो, ये वाला ब्लॉक पक्का नीचे जाने वाला है, जाने वाला है कि नहीं? ये वाला ब्लॉक तो पक्का नीचे फिसलेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये वाला ब्लॉक अगर नीचे फिसलेगा तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर कैसे जाएगा? ये तो जमीन पर रखा हुआ है। देखना ध्यान से, ये वेज है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, यहां पर एक ब्लॉक है, यहां ऐसे पुली है, फिर यहां पर वेज के साथ एक पुली और लगी है, फिर यहां से रस्सी ऐसे जाके यहां पर एक ब्लॉक है। जो मेन स्ट्रिंग है जिस पर आप पूरी कहानी खेल रहे हो, वो ये वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा ये मेरा ब्लॉक था मान लो ए, और ये वाला ब्लॉक था मान लो बी, ये सब कुछ रखे हुए हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, अब मैंने कहा अगर ये यहां से एक्स नीचे चला गया मान लो, तो यहां पर रस्सी कितनी खींच ली आपने? एक्स रस्सी खींच ली आपने, तो आपको रस्सी ढीली करनी पड़ेगी। एक्स कहां से होगी? वो अगर आप यहां से इसको एक्स नीचे रस्सी एक्स्ट्रा ले लेते हो, तो ये रेंथ तो कुछ हो नहीं सकता इसका, ये तो फिक्स्ड पुलीज है, ये लंबाई तो हमेशा इतनी रहने वाली है। तो इस ब्लॉक को बेचारे को कितना आगे जाना पड़ेगा? एक्स जाना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इसका निश्चित रूप से इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए है, है? अब अगर एक्सेलरेशन इसका इंक्लाइन के अलोंग है, तो हमें फोर्सेज जो लिखने हैं वो इंक्लाइन के अलोंग वाले चाहिए। हमने कहा इधर पर एक फोर्स का कॉम्पोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, यहां पर टेंशन टी, और भी आएंगे नॉर्मल फॉर्मल,
अपने को क्या करना है उससे परपेंडिकुलर वाले से, अपना एक्सलेशन तो इधर की तरफ दे रखा है, आप मेरी बात समझ रहे हो? आ जाओ छोटू, आ जाओ बेटा, इसका एक्सलेशन किधर की तरफ है? ए नीचे की तरफ है। इस ब्लॉक पर इनक्लाइन के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं? एक दो, ये फोर्स नहीं है, ए में भी फोर्स नहीं है। एक्सलेशन किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। तो मैंने कहा इसकी फोर्स इक्वेशन लिखेंगे हम। तो मैंने कहा देखो जो एक्सलेशन की दिशा में फोर्स है इसको मैं लिखूंगा प्लस में, जो एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है उसको मैं लिखूंगा माइनस में, और फिर मैं फोर्स इक्वेशन इज इक्वल टू एम ए कर दूंगा। तो मैंने लिखा माइनस टी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। कोई डाउट? पक्का नहीं डाउट? ये किधर चल रहा? जमीन के पैरेलल। जमीन के पैरेलल इस पर केवल एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा? टी। एक एम जी लगेगा, नॉर्मल लगेगा, उससे अपन को कोई लेना देना ना। एक्सलेशन की दिशा में एक ही फोर्स है, फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो टी इज इक्वल टू कितना लिख दोगे? एम ए। क्या फाइंड करना था आपको? टी ही तो फाइंड करना था। आपने कैसे एम की जगह टी लिख लो, ये एम टी तो है, तो टू टी बराबर एम जी साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई टू। हाँ, ये आंसर हो गया आपका। समझ गए? मुश्किल नहीं।